प्यारे स्टूडेंट, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का ये सेकंड वीडियो है, यानी सेकंड पार्ट है। कक्षा 10वीं का है, विज्ञान सब्जेक्ट का है, सेट बी पेपर है। कौन सा सेट बी है? पार्ट टू है। कौन सा है? पार्ट टू है, यानी सेकंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है, पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर सहित हमने बता दिए हैं। और इस वीडियो पर हम प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। 100% जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, 100% ओरिजिनल पेपर होता है। और इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। जितने क्वेश्चन मैं बताऊँगा, यदि नहीं फंसेगा यार, तो अगले दिन से मैं पेपर डालना बंद कर दूंगा। ठीक, अच्छे से तैयार कर लेना। इतने जब मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, तो आप भी विश्वास के साथ रखिए, विश्वास रखिए और पूरा तैयार कर लेना। जो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप इन क्वेश्चनों को तो अच्छे से तैयार करके ही जाना। प्रश्न क्रमांक 6वां क्या है? अपर रूप किसे कहते हैं? अपरूप किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। 2 नंबर दे करके जाएगा आपको, यदि नहीं करते हो 2 नंबर कट जाएगा। 100% बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक, फिर इसके अथवा में क्या है? क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हो, इसको भी तैयार कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निष्पातन से आप क्या समझते हैं, और इसके अथवा में है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? तो निष्पातन वाला आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर इसी क्रम में यहाँ पास देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों है? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। और इसके अथवा में क्या है? धातु एवं अधातुओं में रासायनिक आधार पर किन्हीं कोई दो अंतर लिखिए। दो अंतर लिखना है, कम से कम आपको 4 अंतर याद होने चाहिए, क्योंकि दो ऐसे ही भूल जाएंगे, तो 2 याद रहेगा, तो अच्छे से लिख कर के आना। ये पेपर में 100% पेपर में आएगा, इसको तो तैयार कर लेना, चाहे ऊपर वाला करना या ना करना, नीचे वाला जरूर करके जाना। अगला क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? ये 2 नंबर देख करके जाएगा, यदि आप याद रखेंगे तो, तैयार करके जाएंगे तो। तैयार कर लेना बच्चों। दो धातुओं के नाम बताए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 100% की इसको तैयार कर लेना, यानी वो पेपर में आया हुआ है। ठीक, 100% आया हुआ है। जैसे मैंने पिछला आपको बताया था संस्कृत का पेपर, वैसे ही अब भी बता रहा हूँ कि तैयार कर लेना, बाद में पछताना ना पड़े कि सर का बात मान लिए होते तो हमारा आज बन जाता। ठीक, हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देकर के समझाइए। इसके अथवा में क्या है? साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। तो ये इसके अथवा वाला, इसको 100% है, ये पेपर में आएगा, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? गैरमा है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? और इसके अथवा में कौन ये क्या है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का अनुरक्षण करता है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर दे करके जाएगा मस्तिष्क वाला, अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, फिर यहाँ पास देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। और इसके अथवा में जो है, जीन के प्रमुख 2 कार्य, कम से कम आपको 4 कार्य याद होने चाहिए जीन के, और ये इसको यदि आप तैयार करके जाते हैं, 2 नंबर आपके 100% पक्के हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और इसको 100% तैयार कर लेना। क्या? 100% तैयार करके जाना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर यहाँ पास देखो अगला है, अथवा में न्यूरॉन किसे कहते हैं, इसको भी तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसको तैयार कर लेना, 100% ए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इसके अथवा में देखिए, द्विखंडन क्या है? तो द्विखंडन क्या है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ये आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, निषेचन किसे कहते हैं? ठीक, और इसके अथवा में है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में
कोई दो अंतर लिखिए, कम से कम आपको तीन अंतर याद होने चाहिए और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। फिर यहाँ पास अगला प्रश्न देखिए, ईवन के समय लड़कियों में कौन सी परिवर्तन दिखाई देती है और इसके अथवा में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के दो अनुप्रयोग लिखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को तैयार करके जाना। नीचे वाला 101% क्वेश्चन पेपर में आएगा। यहाँ पास खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में कोई दो अंतर लिखिए, इसको अच्छे से तैयार करके जाना, 100% ये पेपर में आएगा। और इसके अथवा में है मॉडल के प्रभाविता के नियम लिखिए, ये भी 100% आएगा। दोनों को तैयार कर लेना, दोनों में से कोई छूटने नहीं चाहिए। फिर संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा अनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है और इसके अथवा में संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये एकदम 100% है, आपके पेपर में आया हुआ है, इसको तैयार कर लेना। यहाँ पास देखो, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाने को कहा गया है, इसको ये पेपर में 100% आया हुआ है और इन सभी के आंसर मैं वीडियो के लास्ट पे आपको दिखा दूंगा। यहाँ पास देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई तीन गुण लिखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्रमांक 20वां, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है और इसके अथवा में क्या है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की क्या भूमिका है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आया वो क्वेश्चन है, 3 नंबर दे करके जाएगा यदि आप तैयार कर लेते हैं तो। फिर यहाँ पास देखिए, 21वां नंबर, समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की चार विशेषता लिखिए, 4 नंबर का प्रश्न है और इसके अंत में है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। वाचवी श्वसन अवायवी श्वसन में अंतर लिखना है और इसके अथवा में धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। ये धोने का सोडा और बेकिंग के सोडा के दो दो उपयोग, ये 100% पेपर में आया हुआ है, तैयार कर लेना, 4 नंबर दे करके जाएगा। ठीक, यहाँ पास देखो, नेफ्रॉन की रचना एवं क्रिया विधि का वर्णन कीजिए, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन नीचे जो दिया गया है मानव हृदय का नामांकित चित्र, इसको अच्छे से तैयार करके जाना, 101% गारंटी है, JCD क्लासेस का गारंटी है, 101% कि ये पेपर में आएगा। और मैं अपने चैनल के द्वारा ये भी कहता हूँ कि जितने भी मैंने कहा है कि 100% आएगा, तो सेट बी में आप देख लेना कल, 100 क्या, 101 क्या, 1001% आया रहेगा। और आप यदि इन क्वेश्चनों को तैयार नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती, बार बार मैं बोल रहा हूँ, तैयार कर लेना जो 100% बोला हूँ। और इनके आंसर देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, अप्रूव किसे कहते हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप मिलान कर लीजिएगा, अप्रूव किसे कहते हैं यहाँ पास उत्तर है। फिर निष्पातन किसे कहते हैं, निष्पातन का यहाँ पास परिभाषा वगैरह दी गई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, इसको लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए, अगला प्रश्न क्या है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन कीजिए, यानी अंतर लिखने को कहा गया है। तो दो अंतर कहा गया है धातु अधातु में, तो दो अंतर ये हैं, कम से कम आपको 4 अंतर बता रहा हूँ, पूरे 4 के 4 अंतरों को तैयार करके जाना। फिर एक आपका क्वेश्चन आया है, अब मार्जक और साबुन में अंतर बताइए, तो अब मार्जक और साबुन में अंतर यहाँ पास आप देख सकते हैं, 3 अंतर दिए गए हैं, तीनों अंतर को आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसका यदि आपको PDF वगैरह चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और WhatsApp ग्रुप का भी दिया गया है, आप वहाँ जाइए WhatsApp में और मैसेज करिए, सर मुझे आंसर चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, फिर मनुष्य के हृदय की कार्य विधि का वर्णन करिए, तो ये क्वेश्चन कार्य विधि का वर्णन नहीं था, नामांकित चित्र बस बनाने को आया था, तो इसको आप इस चित्र को बना देना, ये हृदय का चित्र है, इसको अच्छे से बना देना। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए, अगला क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाने को कहा गया है, तो तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं, इसको आप लिख देना, लिखना होगा तो, और तंत्रिका तंत्र के बारे में, बाकी ये चित्र है, इसको आप देख लो और इसको अच्छे से बना करके आना, पूरा नामांकित करके आना, यानी नाम वगैरह सारा चीज़ लिख करके आना।
ठीक। फिर अगला प्रश्न यहाँ पास देखो, तारे क्यों टिमटिमाते हैं रात में? तो इसका आंसर पूरा यहाँ पास विधिवत दिया गया है, पूरा आप देख सकते हैं और ये पेपर में आया हुआ है। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं एवं संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो ये रहा उसका आंसर, पूरा आप विधिवत देख सकते हैं और वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए, तो ये धोने का सोडा है, इसके दो प्रमुख उपयोग, और ये है बेकिंग सोडा, इसके दो उपयोग यहाँ पास दिए गए हैं। और जो क्वेश्चन के आंसर छूट गए हैं प्यारे बच्चों, उसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक, या कि अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप देख लेना, पूरा बता दूंगा जो शेष बचे हुए थे ये हैं आंसर, और या कि आप खुद ढूंढ लीजिए, अपनी तैयारी करते रहिएगा, और जिसे आंसर मिल जाए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप नंबर ले करके हमको आप उसका फ़ोटो खींच करके भेज देना, तो मैं अदर बच्चों को भी भेज दूंगा, तो उनका भी सहयोग हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।